हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ओम फिटनेस पॉइंट। तो आज आपको बता रहे जा रहे हैं लेग वर्कआउट। और वर्कआउट से पहले की जो हमारी नींद होती है, जो हम 1 घंटा पहले लेते हैं, आज आपको उसके बारे में बताएंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि भैया हमें कितना क्या लेना, किस तरह से लेना था, मैं आपको आज उसी पर बताऊंगा। और उसके जो बाद हम प्रैक्टिस करने के बाद की जो मील लेते हैं, और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के बाद क्या मील लेते हैं और उसका फायदे क्या है। तो गाइस बने रहे हमारे इस वीडियो में, लाइक और प्लीज कमेंट करना, और कमेंट में कुछ भी किसी को पता करना बॉडी के बारे में तो पता कर सकता है, और मील के बारे में, डाइट के बारे में भी पता कर सकता है। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस लाइक की पहले वर्कआउट जो हमारी मोम बोल दो या कुछ में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उठक बैठक लगानी है, और ये आपको कम से कम 100 या 150 या 200 आपको एक्सरसाइज करने से पहले लगा दीजिए, ठीक है। तो आप उसमें तो पैर की पोजीशन जो हमारी रहेगी, बहुत से बच्चे जो बिगनर आते हैं, जो नए आते हैं, वो अपना पैर ज्यादा वाइड कर देते हैं या बिल्कुल ज्यादा क्लोज कर देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। इससे आपके जो ज्वाइंट होते हैं इन पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये खराब होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो बिगनर है जो इस वीडियो को देखेगा, तो वो कम से कम इसी को ध्यान रखे, जो हम हमारी लेग्स होती है वो बिल्कुल हमारे पंजों के सामने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें 2 पोजीशन होती है, एक थोड़ी सी इनकी वाइड और एक बिल्कुल स्ट्रेट। तो ठीक है गाइस, तो देखें ये पहली पोजीशन है 1 2 3, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या है, मेरे पैर बिल्कुल सामने, एक से थोड़ी सी पोजीशन होती है थोड़ी सी वाइड, तो वाइड हमें ज्यादा वाइड नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत वाइड कर देते हैं। तो ये हल्का सा वाइड होगा पैर, और फिर यहां स्टार्ट होगा 1 2 3। और इसमें क्या है, जो हमारी कमर रहेगी ये बैक ये थोड़ी सी स्ट्रेट रहेगी, इसको आगे की तरफ ज्यादा मूवमेंट ना रखें, नहीं तो इससे आपकी लोअर बैक में पेन होगा। तो ठीक है, तो ये आपको जो मैंने सबसे पहले बताया वर्कआउट, ये आपको 100, 150 या 200 के बीच में आपको करनी है, कंटिन्यू नहीं करनी है, आप 50-50 की तीन सेट ले सकते हो। तो ठीक है गाइस, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट, ठीक है, वो आपको पता है हम रोड से करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ करके, ये रोड हो गई, ठीक है गाइस। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें पैर की पोजिशन हमको बिल्कुल सीध रखनी है, यहाँ किसी वायर रखनी है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल यहाँ लाते हैं और एकदम से उठ जाते हैं, तो इसमें गाइस ऐसा नहीं करना है, इसको या हाफ या फुल, दो में से एक जरूर लें, ठीक है। तो मैं पहले आपको फुल करके दिखाता हूँ। तो पैर की पोजीशन बिल्कुल सीधी हो गई, अब ये फुल है, तो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन थोड़ी पैर जो हमारे रहेंगे थोड़े वाइड रहेंगे, और 1 2 3, ठीक है गाइस। तो उसमें जब आप करोगे तो उसमें हमारी लोअर बैक होती है, इसको आगे की तरफ ज्यादा झुकाना होगा, नहीं तो आपकी जो बैक होगी उसमें पेन होगा, ठीक है। तो आपको उसमें अगर करना है स्क्वाट लगाओगे आप, तो आपकी कमर सीधी रहेगी, ठीक है। तो ये है लेग कर्ल, लेग टेंशन। तो देखो उसमें कैसे करेंगे प्रैक्टिस, तो उसमें आप अपने हिसाब से वेट करना, ठीक है। इसमें ज्यादा वेट नहीं रखना स्टार्टिंग में, जो पहला सेट मारोगे आप 12 का, तो इसमें आप क्या करना है, पहले लाइट वेट, फिर जब आप रेप्स घटाओगे फिर आपको घट बार वेट बढ़ा दो। तो मैं आपको पोजीशन बताता हूँ, मैंने आपको लाइट वेट लगा दिया है। इसमें गाइस क्या करना है, जो हमारे पैर जाएंगे बिल्कुल सीधे रहेंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल सीधे रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं, किसी का पैर अंदर मुड़ जाता है, पैर सीधा जाता है, तो ऐसे नहीं करना है, पंजे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे सीधे सामने की तरफ, और यहाँ पे लागे हल्का सा होल्ड करना है, और फिर यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपको 12 के सेट लेने हैं ऐसे करके, और ये ऊपर तक पूरा लाना है, यहाँ पे प्रेशर डालना है, ठीक है गाइस। तो इससे क्या होगा, हमारी लेग्स का फ्रंट का जो पार्ट होगा वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग और बढ़िया होगा। और इसमें एक पोजिशन और है, ये आपकी जो साइड होती है आधी वाइड, इसके लिए थोड़ी सी बाहर निकालने के लिए हम इसमें जो पंजे रखेंगे, एक तो अभी मैंने आपको फ्रंट से सामने से बताया, तो मेरे सामने लेग के लिए हो गया, अब ये हल्का सा अंदर टर्न करूंगा तो ये मेरी
साइड पोजिशन में लो होगा, ठीक है उसमें आप कंधे से रख सकते हो जीएल जी पर को, और इससे आपके ये जो आगे पोर्शन होगा इस पर आपका जोर पड़ेगा, तो ये आपकी थाइस और स्ट्रोंग होगी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसमें जो सेट मारोगे रैप्स के हिसाब से आप अपना वेट बढ़ाते चले जाना है, ठीक है, और रैप्स कम करते चले जाना है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आपको फोर्थ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अभी ये हमारी लेग प्रेस, ठीक है। तो लेग प्रेस में हमें करना क्या है, एक तो वेट अपने हिसाब से रखना है, ये नहीं कि दूसरे को देख के वेट आपने इसमें ज्यादा बढ़ लिया फिर आपकी ये जो ज्वाइंट होगी इन पे इफेक्ट आएगा और ये टूट भी सकते हैं। आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा कि बच्चे क्या करते हैं, लड़के जिम में जाते हैं और बहुत सारा वेट बढ़ लेते हैं और वो पैर यहाँ से सीधे कर देते हैं, सीधे करेंगे तो ये पैर यहाँ से टूट जाएगा। तो प्लीज अपने हिसाब से ही वेट मारे जितना आप उठा सकते हो, और अगर आपको ज्यादा ही वेट मारने का वो है तो आप 10 दिन में जब आप दूसरी बार यानी दूसरी हफ्ते जब आपकी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज तो आप जब आप इसमें 5-10 किलो वेट बढ़ा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जो पैर की पहली पोजिशन है सामने के लिए फ्रंट के लिए वो आपको इस हिसाब से रखनी है कि बिल्कुल सीधी जो हमारे ज्वाइंट के सामने है थाइस के, ठीक है। और एक चीज और करने से पहले देख लेना जब आपका जो पैर होते हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें मैं करने की क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं इसको, कोई कोई तो बच्चा यहाँ पे लाके और वापस उठा देता है। तो गाइस ये एक्सरसाइज गलत है और इसमें आपको ये चीज भी सीधी नहीं करनी बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा करोगे तो आपके पैर पे ये टूट भी सकते हैं ज्वाइंट, तो पैर आपको हल्के से बस ऐसे मूव रखना है और इसको आपको इतना नहीं मारना है, इसको आपको क्या करना है सही पोजिशन जो इसकी है यहाँ से ये पूरी है, ठीक है ना। इसको यहाँ से 1, 2, 3 तो गाइस इसमें आपको ये पैर पूरी लेके आने हैं नीचे तक, तो ये आपका थाइस पे वर्क करेगी। अगर आप इसको हाफ मारोगे तो आपकी थाइस पे वर्क नहीं करेगी। अब इसमें सेकंड पोजीशन है हमारी वाइड जो हमारी होती है इनर थाई के लिए, ठीक है, अंदर के लिए। तो उसको भी मैं करने तरीका बताता हूँ। आपको पैर बिल्कुल वाइड रखने हैं वी टाइप में, ऐसे लाने हैं और यहाँ से आपको इसको ले जाना है ऐसे, और यहाँ से फिर वापस इसको ले जाना ऊपर। तो ऐसे करने से क्या होगा, जो आपकी इनर थाई होगी अंदर की इससे आपका इफेक्ट पड़ेगा और थाई इंक्रीज होगी अंदर से, ठीक है। तो गाइस जब आप इनर थाई मारे तो इसमें आपको तो ये आपकी इनर थाई होगी अंदर के लिए, तो इसको आप फुल लें। अगर आप इसको पूरा लेंगे तो आपकी इनर थाई पे काम करेगा, अगर आप इसको हाफ मारेंगे तो ये आपकी थाइस पे काम नहीं करेगा। तो इसमें आपके जो पैर रहेंगे मेरे चले रहेंगे, और बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक लाते हैं और वापस छोड़ देते हैं, इसको यहाँ तक नहीं लाना है, इसको पूरा आपको यहाँ पे प्रेशर डालना है और फिर उसको आपको ये धीरे धीरे वापस ले जाना है और फिर वापस यहाँ पे लाना है और धीरे 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 वापस छोड़ना है। आपको इसके 12 के 3 चेक करने हैं, 12, 10, 8 के, ठीक है गाइस। तो वेट अपने हिसाब से बढ़ाना घटाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 ऐसे लाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गाइस इसमें आपको पैर की पोजीशन सीधी रखनी है और ये जो हमारी हाइस की जो बैक साइड होती है इसके लिए है, तो बारे में तो इसमें जो पैर होते हैं हमारे शर्ट में वाइड भी होते हैं और ये अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो भाई ने पैर वाइड कर रखे हैं और इसमें जो हमारे पैर की पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी सीधी। चलिए तो अभी इसमें जो ये मूवमेंट आ रही है बिल्कुल सही आ रही है और ये बैक कमर हमारे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। गाइस ये काफ्स वर्कआउट है, लास्ट वर्कआउट। तो अब इसमें क्या है देखना, इसमें पोजीशन खड़े होने की, तो इसमें जो बच्चे आते हैं तो काफ्स लगाते हैं तो पैर बहुत वाइड रखते हैं ऐसे खोल के, ठीक है। तो उसमें पैर आपको खोल के देखने, आपको उसमें पैर अंदर से क्लोज करके और बाहर को भी बनाने हैं। अब आपको उसमें यहां से पोजीशन लेनी है अप और ये पूरा नीचे जाना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद फिर आपको ऊपर पूरा आना है और फिर पूरा नीचे जाना है गाइस। 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गई। इसमें हमको क्या करना है, आगे से क्लोज करने हैं पैर और पीछे से वी बनाना है, ठीक है। और आप इसमें इसके रेपिटेशन दे सकते हो 20, 25, 30 एक बार में, और 10-15 ले सकते हो, और आप इसको 3 से 4 एक्सरसाइज कर लीजिए, 3 से 4। तो इससे क्या होगा, जो आपकी काप्स होगी वो और ग्रोथ होगी और अच्छी होगी। तो गाइस हमारे लेग्स वर्कआउट तो खत्म हो गई है, अब आपको बताने जा रहे हैं जो लेग्स वर्कआउट के बाद हम जो मील लेते हैं अपनी, जैसे आप बोलते हो भैया प्रोटीन हम जिस जाने प्रोटीन कितने हैं, तो अब हमारी मील का टाइम हो गया, अब आपको मील दिखाएंगे जो हम प्रैक्टिस करने के बाद देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी प्रैक्टिस के बाद की जो मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस के बाद जो मील लेंगे, तो मैं आपको मील बताने जा रहा हूँ जो हम एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा केला, ठीक है, ये बनाना है, और 4 बादाम इसमें, और 1 स्कूप ओट्स है इसके अंदर, और पानी है इसमें 1/2 गिलास। पानी में इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी बॉडी में ज़्यादा फैट ना आए, ठीक है। तो अब इसमें 1/2 कप के आसपास का ये दूध रखा है मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ी सी प्रोटीन मिलेगी, और कार्ब्स के लिए मैंने इसमें केले रखे हैं, ये मेरे बॉडी के अंदर कार्ब का काम करेगा, और मैंने इसमें बादाम रखे हैं 4, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और इसमें मेरा ये प्रोटीन भी है जो मैं प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये मेरा प्रोटीन है, ये एक इसकी स्कूप लेनी है मुझे, अगर आपके पास होगा तो आप इसको ले सकते हैं प्रोटीन को। और जो बिगिनर जो नए बच्चे आते हैं उनको क्या है, वो प्रोटीन का यूज ना करें, वो गेनर का यूज करें अगर उनको गेनिंग करनी है तो, ठीक है गाइस। तो मैं प्रोटीन यूज करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मसल मास के लिए इसे यूज करना पड़ता है, मैं गेनर यूज नहीं कर सकता। तो जो नया बिगनर बच्चा आता है तो उसे गेनिंग के लिए उसे वेट गेनर ही यूज करना है, ठीक है, शेक बनाने में किसी भी कंपनी का हो, ठीक है गाइस। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ये 1/2 कप के आसपास ये मेरा दूध है, ठीक है गाइस। ये अगर कोई बिगिनर होगा तो वो पूरा अपना 1 गिलास दूध ले सकता है, ठीक है, और वो पानी का यूज नहीं करेगा बिगिनर्स, ठीक है। इसे मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है, और उसमें मैंने 2 केले डाले हैं इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो ये मेरे 2 केले चले गए, और इसमें मैंने 4 बादाम, ठीक है गाइस, और ये इसको 1 स्कूप के आसपास इसमें मैंने ओट डाला है। तो आप ओट्स किसी कंपनी का ले सकते हो, मगर जो ओट्स लोगे आप विदाउट फ्लेवर लेना, फ्लेवर वाला ओट्स मत लेना, जैसे आते हैं ना मसाला ओट्स आते हैं, तो आपका मसाला ओट्स नहीं लेना, आपको सिंपल ओट्स लेना है। तो गाइस अब इसमें 1 स्कूप हमको उसमें अपना प्रोटीन का डालना है। आपके पास अगर गेनर हो तो अपना आप गेनर यूज कर सकते हैं, वैसे जो मैं प्रोटीन यूज करता हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको साइज की जरूरत है गाइस, तो मुझे साइज की जरूरत नहीं है, मुझे मसल मास की जरूरत है, तो मेरी इसलिए मैं प्रोटीन का यूज करता हूँ। तो आप गेनर का यूज करें अगर आपको साइज गेन करना है तो। अब इसको क्या करना है गाइस, आपको इसे मिक्सी में आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप फैट लें, और उसके बाद आप उसको लें, ठीक है गाइस। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है, प्लीज उस डाइट को फॉलो करें।